हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स टैब। आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि आप एक मोमिराइज एप्लीकेशन को यूज़ करके कैसे एक वेबसाइट या एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हो जो कि एक बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को यूज़ करता है। ऐसा करने के लिए आपको सिंपली google.com पे जाना है एंड मोमिराइज टाइप करना है। जो भी आपको गूगल पे फर्स्ट लिंक मिले mobilize.com, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जब वेबसाइट मोबिलाइज की खुल जाए तो आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा, डाउनलोड फॉर विंडोज। इफ यू आर यूजिंग मैक देन स्विच फॉर दिस ऑप्शन, अदरवाइज क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर विंडोज। व्हेन वी क्लिक ऑन दिस, the downloading for the mobilize windows application will start. It's taking some time. जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारी मोबिलाइज सेटअप की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और कंप्लीट भी हो चुकी है। सिंपली हमें इस सेटअप को ओपन करना है। इस सेटअप को इंस्टॉल करना है। जैसे कि मैं इस एप्लीकेशन को पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, सो मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। मैं सिंपली मोबिलाइज एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा थीम मिलेगा, इसको आपको स्किप कर देना है। सिंपली एक न्यू क्रिएट थीम ओपन करनी है। कोई भी आप एक थीम इसमें से सेलेक्ट कर लो, उसमें टाइप साइट का नाम दे दो। सपोज दैट मैं देता हूँ टेक्स्ट टैब। ओपन करोगे, जैसे ही आप इसे ओपन करोगे ये फर्स्ट विंडो आपको ओपन मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट की एडिटिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्लस बटन दिया हुआ है जिसके थ्रू हम ब्लॉक्स ऑफ कोड ऐड करेंगे, जो बूटस्ट्रैप के ब्लॉक्स ऑफ कोड हैं। सिंपली इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले ये हेडर मेन्यूज हैं जिनको हमको पुट करना है। सपोज दैट मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसको क्लिक किया मैंने, यहाँ पे पुट कर दिया। आप इन सारे मेन्यूज में से कोई भी एक पुट कर सकते हो। सिंपली हम मूव करते हैं नीचे की तरफ ताकि हमें थोड़ा और कंटेंट मिल जाए। सपोज दैट एक YouTube वीडियो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जिसकी एडिटिंग आप बाद में दे सकते हो। आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो। और भी ब्लॉग्स हम ऐड करते हैं। सपोज दैट एक गैलरी ऐड करनी है हमें, हमने एक गैलरी ऐड कर दी। अब फुटर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट फॉर्म भी ऐड कर सकते हो। मैंने ये फुटर सेलेक्ट किया है। सिंपली आप देखोगे तो हमारी एक डमी वेबसाइट विथ ग्रेट लुक्स रेडी हो गई है मोबिलाइज के थ्रू। आपको सिंपली इसको एडिट करना है तो आप अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हो। जैसे मैं टेक्स्ट ऐप यूज कर रहा हूँ, टेक्स्ट टैब दिया, यहाँ पे गेट सर्विसेज स्टार्ट हो गई, होम सर्विस, होम। अभी इस
सारी चीज़ें यहाँ से खुद एडिट कर सकते हो। सपोज अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि टाइट बटन जो है वो हट जाए, तो ये बटन जो है वो रिमूव हो गई है। आप यहाँ पे एडिट करके अपनी वेबसाइट का इंट्रो भी दे सकते हो। हम नीचे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है, आप इसमें जो YouTube की वीडियोस हैं उसके लिंक डाल सकते हो, सिंपली सेट कर सकते हो। सपोज दैट यहाँ पे YouTube का जो वीडियो लिंक है आपको पुट करना है और वो वीडियो यहाँ फेच होके आ जाएगी। मैं इसको अभी मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ। सिंपली आप इसमें भी यही कर सकते हो। ये गैलरी सेक्शन है जिसमें आप पिक्स एडिट कर सकते हो। सपोज आपको ये पिक एडिट करनी है, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में। ये सारे ऑप्शंस हैं, जैसे टॉप आप कितना विड्थ रखना चाहते हो, कितना कम करना चाहते हो, ये सब आप सेट कर सकते हो। बॉटम में कितना स्पेस रखना चाहते हो, कलर क्या रखना चाहते हो आप ओवरले का, ये सारे सेटिंग्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो। सिंपली मैं जाता हूँ, ये प्ले बटन पे क्लिक किया मैंने, मूव करता हूँ। स्पेसिंग इसके बीच में कितना रखना चाहते हो आप, ये सब एडिट कर सकते हो यहाँ से। सपोज दैट मैं बैकग्राउंड कलर इसका चेंज चाहता हूँ, तो मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर सिंपली चेंज हो चुका है। कॉन्टेक्ट फॉर्म में भी आप एडिटिंग कर सकते हो, सिंपली क्लिक करके आपको जो फील्ड चाहिए जहाँ पे आप पुट करोगे वो बन जाएगी। तो आप देख सकते हो कि एक सिंपल वेबसाइट को मोबिलाइज के थ्रू हम कैसे बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।